नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी और भी ज्यादा तेज होती दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां सारी पार्टियां चुनावी रणभूमि में उतरने को तैयार हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुष्पम प्रिया चौधरी एक नया ही माहौल बनाते दिखाई दे रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि कल उनके जो उम्मीदवार हैं अन्नू कुमार, वो राघवपुर से नामांकन कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उस दौरान उनकी पुलिस के साथ जमकर झड़प हो गई थी, बहुत मार पिटाई हो गई थी वहां पर, क्योंकि वो नामांकन के प्रक्रिया के लिए थोड़ी देर से पहुंचे थे। ऐसे में बहुत सारे उनके साथ नोकझोंक हो गए, मार पिटाई हुई, पुलिस ने उन्हें उनकी घेराबंदी की, और अब इसी को लेकर पुष्पम प्रिया चौधरी बहुत ज़्यादा नाराज़ दिख रही हैं। उन्होंने एक लेटर लिखा है और ये तक कह दिया कि राष्ट्रपति शासन बिहार में लागू कर देना चाहिए और उसके तहत ही बिहार में चुनाव करवाना चाहिए। ये लेटर उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को लिखा है। क्या कुछ लिखा है उस लेटर में, सबसे पहले हम आपको बताते हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी ने ये पूरा ही लेटर अंग्रेजी भाषा में लिखा है। उन्होंने लिखा है, टू हिज एक्सेलेंसी द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति भवन, न्यू दिल्ली। ऑनरेबल सर, रिक्वेस्ट टू इंटरवीन एंड सेव डेमोक्रेसी इन बिहार। रिगार्डिंग, आई सिंसियरली एंड मोस्ट हमली रिक्वेस्ट यू, योर एक्सेलेंसी, द हाइएस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, टू कंडक्ट इलेक्शन इन बिहार अंडर योर रूल। We are a party of young, committed and educated common people with no criminal background, just trying to build a Bihar that we deserve. But our simple and innocent candidates are threatened, mistreated, abused, beaten, and our women candidates are taunted and ridiculed. We should get a fair chance and our candidates should not live under any threat if we live in a country which is democratic. I am attaching a proof of how badly we are being treated, being beaten in a country where our constitution has given us right to liberty and freedom is unacceptable, Your Excellency. We do not trust criminal and immoral politicians and their political nexus in Bihar, and as a citizen of our free nation, we request you to give our request our kind attention. If it is not our delusion that Bihar is a free state in a free country, kindly give instructions to the government of India and the election commission to conduct election under your excellency, the president of India's rule. We will otherwise most humbly, your honor, not have a choice but take extreme steps to save the democracy in Bihar. इसके साथ ही उन्होंने अपने फेसबुक पर एक कैप्शन लिखा है, जिसमें लिखा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध है कि बिहार में लोकतंत्र की रक्षा करें और चुनाव क्रिमिनल अनैतिक राजनीतिज्ञों के बजाय राष्ट्रपति शासन से कराएं। तो आपको बता दें कि शुक्रवार को अन्नू कुमार राघोपुर से नामांकन कराने गए थे, लेकिन इस दौरान वो थोड़ी देर से पहुंचे और वहां पर बहुत ज़्यादा क्योस क्रिएट हो गया और लड़ाई पीट हो गई, बहुत पुलिस के साथ हाथापाई भी हो गई और सभी लोग इसका वीडियो और फोटो वायरल करते भी दिखाई दिए। इसी बीच पुष्पम प्रिया चौधरी ने राष्ट्रपति को एक लेटर लिखा है और कहा है कि हमारे जो भी उम्मीदवार हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की जा रही है, उनको अब्यूज़ किया जा रहा है, उनके साथ गाली गलौज हो रहा है, खास करके जो हमारे विमेन कैंडिडेट हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया जा रहा है, उन पर तंज कसे जा रहे हैं। इसके साथ साथ पुष्पम प्रिया चौधरी ने ये भी कहा कि हमारे जो भी कैंडिडेट हैं वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड बैकग्राउंड से हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह का उनसे व्यवहार हो रहा है। तो आपको बता दें कि पुष्पम प्रिया चौधरी ने राष्ट्रपति को एक लेटर लिख दिया है और उसमें कहा है कि पूरी तरीके से बिहार में राष्ट्रपति शासन के तहत ही चुनाव हो। उनको ये लग रहा है कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं, जो वो अभी सरकार है, उनका जो प्रशासन है उस पर कब्जा है और शायद यही वजह है कि वो पुष्पम प्रिया चौधरी एक सीएम के उम्मीदवार है और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो पूरा अभी जो सत्ताधारी सरकार है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि किसी भी तरह उनको रोका जाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसके आगे की कार्रवाई क्या कुछ होती है, क्योंकि पुष्पम प्रिया चौधरी ने एक बड़ा स्टेप लिया है, पूरे राजनीतिक माहौल को ही बदल दिया है। अब आगे क्या कुछ होगा ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।